हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिस्कवरी लेवल अप में। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं महेंद्रगढ़ सतनाली मार्ग पर स्थित माधवगढ़ के किले में। माधवगढ़, जिसका अर्थ होता है माधव का किला। माधवगढ़ की स्थापना माधव सिंह प्रथम ने 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में की। 1755 के आसपास यह क्षेत्र इंदौर के महाराजा खांडेराव होलकर के अधीन राजपूतों से मराठों की साम्राज्य की ओर चला गया। जब उन्होंने मुगल सरदार इस्माइल बेग पर हमला किया तो इस्माइल बेग माधवगढ़ भाग आए। तब खांडेराव होलकर ने माधवगढ़ किले पर हमला किया और 16 फरवरी 1792 को इस किले पर कब्जा कर लिया। अभी यह किला आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है। यह किला अरावली रेंज पर स्थित है। अंदर से देखने पर इसकी हालत बहुत ख़राब दिखाई पड़ी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी इसकी कोई भी दीवार प्रॉपरली सही सलामत नहीं है। यह पूरा खंडर हो चुका है। हिंदू राजपूत वास्तुकला की यह धरोहर विलुप्त होती जा रही है। इस किले में आमने सामने बंकर बने हुए हैं और चारों कोनों में सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस किले के दो भाग हैं, पहाड़ी की चोटी पर एक ऊपरी खंड और एक खंडर मुख्य संरचना के साथ। अभी आप निचला भाग देख रहे हैं, जहां पर घोड़ों को रखा जाता था। इस किले का कोई भी कमरा सही हालत में नहीं है। दीवारें और छतें टूटकर नीचे गिरने लगी हैं। जो आपको ये छोटे छोटे सफ़ेद कलर के घर दिखाई दे रहे हैं, यह माधवगढ़ विलेज है। आज भी इस गांव में पुरानी हवेलियां मौजूद हैं, जो कि टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहां कौन कितने पानी में, जलपरी जैसी फिल्में भी शूट की गई हैं और आदित्य नारायण का लोकप्रिय हरियाणवी गीत गिट पिट की शूटिंग भी की जा चुकी है। किले के खंडों के नीचे एक पानी की टंकी है जो अभी भी खड़ी है। बताया जाता है कि यहाँ से एक सीधा रास्ता दूसरे महल को जाता है, जिसे रानी का महल कहा जाता है। यह जो आप देख पा रहे हैं, यही पहले रानी के महल के नाम से जाना जाता था, जिसे अब गवर्नमेंट रिपेयर करके गेस्ट हाउस बना रही है। तो चलिए हम आपको एक व्यू इसके अंदर का दिखा देते हैं। आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने माधवगढ़ किले को शामिल करते हुए एक पर्यटन स्थल विकसित करने की योजना बनाई है। इसे पिंजौर गार्डन की तर्ज पर बहाल किया जा रहा है। 2018-19 में इसके लिए 30 करोड़ की प्रारंभिक राशि की घोषणा की जा चुकी है। इस पहाड़ी के ठीक नीचे एक तालाब बनाया गया है, जिसमें बारिश के समय पहाड़ों से पानी बहकर सीधा यहीं स्टोर होता था। पूरे किले में पानी की आपूर्ति यहीं से होती थी। इन्हीं के साथ 52 कोठरी भी बनी हुई हैं, जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, यही था माधवगढ़ का किला, जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।